लोकतंत्र का काला दिन है। बहुत ज़्यादा केंद्र की सरकार ने आज अपने आप उनका जो चेहरा और मुखौटा दिखा है कि किस तरह से एक व्यक्ति को संसद से लेकर सड़क तक रोकने का प्रयास, उसके लिए एक षड्यंत्रकारी कहानी रचना और उसको अपनी मित्रता निभाने के लिए रोकना। अगर कोई व्यक्ति देश के लिए आवाज़ उठाता है, देश के मजलूमों के लिए आवाज़ उठाता है, देश के युवाओं के लिए आवाज़ उठाता है, देश की बढ़ती महंगाई के लिए आवाज़ उठाता है, तो राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने के लिए जिस तरह से केंद्र की सरकार ने काम किया है, अब वो देश की जनता के सामने है। लेकिन राहुल जी ने कहा है, मैं सच के साथ खड़ा हूँ और ना ही मैं किसी से डरा हूँ। वो जनता की आवाज़ उठाने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें, आगे भी तैयार रहेंगे। लेकिन अब देश की जनता ये समझ रही है कि लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए मोदी जी क्या क्या नहीं कर सकते, वो दिख रहा है। एक व्यक्ति के लिए, अगर अडानी के लिए जवाब संसद में मांगा जाता है राहुल जी के तरफ से, कांग्रेस पार्टी के तरफ से, तो उस पर जवाब मोदी जी नहीं देते। लेकिन राहुल जी के ऊपर तरह तरह के षड्यंत्र करने से नहीं रुकते। कोर्ट का मामला है ना, ये तो कोर्ट ने सुनवाई की है, सरकार भी इसमें क्या लेना देना। कानूनी प्रक्रिया पे तो हम भी विश्वास रखते हैं। कानूनी प्रक्रिया जो है वो राहुल जी हमेशा करते आए हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन ये कहानी रचने के पीछे किसका हाथ है ये समझना पड़ेगा। 3 साल पहले उन्होंने किसी के बारे में कहा कि वो देश छोड़ के भाग गया और राहुल जी को मोदी जी और बीजेपी के तरफ से किस तरह से हमेशा उनके और उनके परिवार के ऊपर टिप्पणी करते हैं, किया जाता है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। राहुल जी ने एक व्यक्ति के ऊपर कहा जो इस देश का पैसा लेके भाग गया और बार बार आगाह किया, बोला, वही बार बार वो अडानी के लिए फिर से कह रहे हैं। और कि जातियों का अपमान किया, एक जाति का अपमान किया। जाति धर्म की बात वो करते हैं जो देश के लिए नहीं सोचते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर केंद्रित रहते हैं। मोदी जी और मोदी जी की सरकार पूरी तरह से अपने दोस्त को बढ़ाने में लगी हुई है। देश की जनता, देश के लोगों के बारे में उन्हें कुछ नहीं सोचना है, इसीलिए वो इस तरह की बात करते हैं। राहुल जी के सामने उस परिवार के लिए बात करें जो, जिस परिवार ने इस देश के लिए अपना खून दिया, उस परिवार को अगर अपनी जाति और धर्म से अगर कोई जोड़ता है तो ये बहुत ही गलत बात है और ऐसी बातें देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये भी कहते हैं कि कांग्रेस चाहती है लोकतंत्र जो है कानूनी प्रक्रिया उसके हिसाब से चले। लोकतंत्र तो कानूनी प्रक्रियाओं के हिसाब, संविधान के हिसाब से ही चलता है। लेकिन संविधान के हिसाब से क्या बीजेपी चल रही है? क्या बीजेपी इस देश में संविधान को बचाए रखने के लिए कुछ कर रही है? बीजेपी क्या देश के हित में काम कर रही है? संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार काम कर रही है? नहीं कर रही है, इसीलिए तो इतनी सारी बातें हो रही है, नहीं तो क्यों इतनी बात। लड़ेंगे और जीतेंगे।